आज मैं आपसे एक नए विषय में बात करने के लिए आपको कुछ समय देना चाहता हूँ, जिसमें आज हमारा टॉपिक रहेगा हमारा मेट्रो, कानपुर मेट्रो। तो अभी तक आप ये देखते आए हैं कि जिस तरीके से आज हमारा जो कानपुर का ट्रैफिक है, इतना ज़्यादा हमारा सरदर्द हो गया है कि आप कहीं पे भी अगर जाने के लिए तैयार होकर निकलते हैं तो कभी भी आप समय से नहीं पहुंच पाते हैं। उसके लिए आप पता चलता जब निकलते हैं तो कहीं ना कहीं आपको जाम मिलता है, और कहीं कहीं तो ऐसा जाम मिल जाता है कि करीब करीब घंटों इंतज़ार करना पड़ जाता है और आदमी बीच में फंस के रह जाता है। ना वो अपने समय पे गंतव्य पे पहुंच पाता है, ना ही अपने कामों को वो पूरा कर पाता है। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए जो हमारी कानपुर सिटी में मेट्रो की शुरुआत हुई है, जो कि अभी पूरी तरीके से बन नहीं पाया है और उसका काम अभी भी प्रगति पे है और चल रहा है, तो आने वाले समय में जब हमारी मेट्रो ये स्टार्ट होगी तो उससे बहुत ज़्यादा सहूलियत हमको ये मिलेगी कि इससे हमारा बहुत सारा समय जो ट्रैफिक का जो हमारा वेस्ट होता है जाम में, या हमें घूम के जो जाना पड़ता है, तो उससे बहुत ज़्यादा निजात मिलेगी। और चूँकि इसके चलने से क्या होगा कि हमारा जो भी ट्रांसपोर्टेशन है या जो भी जिस तरीके की चीज़ें हैं वो बहुत कम हो जाएंगी। उस समय जाम की स्थिति तो अब आगे जो व्हीकल के अकॉर्डिंग जो होती है वो क्या होगी वो तो नहीं बताई जा सकती, लेकिन जो मेट्रो के चलने पे आदमी अपने रूट पे जो चलेगा तो वो एक समय पे बिल्कुल पहुंचेगा। चाहे वो किसी को दफ्तर जाना हो, किसी को अपनी नौकरी पे जाना हो, या किसी को कॉलेज जाना हो, स्कूल जाना हो, सब अपने गंतव्य पे एक समय पे पहुंचेंगे। तो यहाँ पे ये आता है कि जिस तरीके से हम अपने ट्रैफिक को देखते हैं, या अगर बात करें नगर बसों की, तो नगर बस या अपने थ्री व्हीलर फोर व्हीलर जो भी इस तरह के जो चल रहे हैं, तो उसमें तो ये होता है कि भाई किसी ने भी बोल दिया भैया यहाँ रोक दो तो उसने फट से वहीं रोका। तो उससे क्या होता है कि पीछे जो आने वाला व्यक्ति है उसको तो मालूम ही नहीं पता चलता है कि वो आगे आके उससे टकरा जाता है। तो इससे बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो डिस्टर्ब हो जाती हैं, और जो हम अपने समय से जो निकले हुए हैं वो समय पर भी नहीं पहुँच पाते हैं, उसकी वजह से जाम की स्थिति भी पैदा हो जाती है।